हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। यह बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी फूड है। मूली और बेसन को मिला के उसके नगेट्स बनाने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने एक दरमियाने साइज़ की मूली ली है, उसको वॉश करके छील लिया है हमने। थोड़ा सा धनिया लिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, लेकिन मिर्च हम एक ही डालेंगे क्योंकि ये बच्चों को ये स्नैक बना रहे हैं। ये बेसन है, मूली को हम छील लेंगे, क्रश करेंगे। क्रश करके इसको निचोड़ लेते हैं इसका, ताकि सारा पानी निकल जाए। इसमें धनिए को अब छोटा छोटा काट लेते हैं। एक सब्ज मिर्च काटेंगे, तीन चम्मच बेसन के डाल लेते हैं, टेबल स्पून। बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा, इनको हम थोड़े से पानी में मिक्स कर लेते हैं। अब हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करके नगेट्स तैयार कर लेंगे, जैसी आप शेप चाहते हैं, लेकिन मैंने गोल बनाए हैं, कटलस की शेप जैसे बनाए हैं। अच्छा, ये जब बच्चे खाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये इसके अंदर डाला क्या है। ये बड़े टेस्टी भी बनते हैं, हेल्दी फूड है, ये ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे सैलड में बच्चे नई मूली को पसंद करते, लेकिन ऐसे ज़रूर खाएंगे। इसको हम हल्की आंच पे फ्राई कर लेते हैं। सारे रंगट तैयार हो चुके हैं, इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। केचप के साथ बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें, ये बड़ा हेल्दी फूड है, ये ज़रूर ट्राई करें। हमें दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।